श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गुप्त नवरात्रि 2 दिन में आने वाली है। कल अमावस्या की पूजा होगी, कल दिन भर अमावस्या है, लेकिन प्रतिपदा जो है वो तांत्रिक विधान से 29 और जो आम व्यक्ति करेंगे, जो सुबह की साधना करेंगे, उनके लिए 30 तारीख से प्रतिपदा लग रहा है। तो इस नवरात्रि में क्या साधना करनी है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए एक साधना है जिसको सप्तमातृका कुछ लोग बोलते हैं, सप्तमाता कुछ लोग बोलते हैं, और सप्त देवी भी कहा जाता है। इनका अवतरण पृथ्वी पर इसलिए हुआ था ताकि पृथ्वी का कभी अनिष्ट ना हो पाए, पृथ्वी का कभी विनाश ना हो। इसीलिए जैसे नवदुर्गा है ना, 10 महाविद्या है, वैसे 7 देवियों को एक साथ स्थापित किया जाता है। जिस जगह पर धन का क्षय हो रहा हो, जिस जगह पर जीवन का क्षय हो रहा हो, जिस जगह पर राज्य का क्षय हो रहा हो, वैसे स्थानों पर भी सप्तमातृका की स्थापना की जाती है, सप्त देवी की स्थापना की जाती है। जब ये गुप्त नवरात्रि में आप इनकी साधना करेंगे तो माना जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, कोई ऐसा माया से संबंधित सामग्री नहीं है जो कि सप्त देवी की साधना के बाद आपको ना मिल पाए। उसका कारण ये है कि ये सब जो है पदार्थ शक्ति के संकल्प से ही इन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जब भगवती महामाया जब गौरा के रूप में आई और पार्वती के रूप में आई और उनका खंड खंड शरीर हुआ, तो जहाँ जहाँ शरीर गिरे वो सब शक्ति के केंद्र बने, शक्ति पीठ बने, और जहाँ जहाँ रोम बना गिरा वहाँ पर पदार्थ जड़ी बूटियाँ ऐसे दुर्लभ वस्तुओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस गुप्त नवरात्रि कल्याणमय भगवती की आप साधना करें, और जो भी आपको अभिष्ट फल की कामना है अपना नाम गोत्र स्थान का नाम लेकर के उसके लिए संकल्प करके पूजा शुरू करें। देखिए जो सप्त देवी हैं इनमें कौन कौन सी देवी आती है, माँ कुमारी आती है, माँ वैष्णवी आती है, माँ महेश्वरी आती है, माँ चंडिका आती है, माँ वाराही आती है, माँ ब्रह्मानी आती है, और माँ इंद्राणी आती है। माँ कुमारी जो मोर पे सवार होती है और कार्तिकेय भगवान की शक्ति है, वैष्णवी भगवान विष्णु की शक्ति है, गरुड़ पर आरूढ़ होती है, महेश्वरी महादेव की शक्ति है और बैल पर सवारी करती है, चंडिका जो है माँ दुर्गा का स्वरूप है और शेर पे सवारी करती है, ओ मैं ब्रह्म क्लम चामुंडाई विच्चे, वाराही भगवान वाराह की शक्ति है और भैंस पर सवारी करती है, ब्रह्मानी जो है छठी शक्ति वो हंस पर सवारी करती है और ब्रह्मा जी की शक्ति है ब्रह्मी, और इंद्राणी जो है इंद्र की शक्ति है और वो ऐरावत हाथी पर सवारी करती है। ठीक है, ये सब जो देवियां हैं ना, ये आदि स्वरूप महाकाली दुर्गा वैष्णवी चामुंडा उसके राज राजेश्वरी आदि, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनके ही तेज से इन देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आते हैं कि भगवती की साधना हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब राज राजेश्वरी की हम साधना करते हैं तो ऐश्वर्य मिलता है, पद मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाती है। माँ काली या चांडिका दुर्गा की साधना से शत्रुओं का मर्दन होता है, भगवती की साधना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, भैरवी जो है वो भैरव जी की तरह भय से मुक्त करवाती है। इसी तरीके से सप्तमातृका जो है अलग अलग चीज़ों के लिए आपको तैयार करती है। ठीक है, जब महेश्वरी की आप साधना करते हैं तो क्या होता है, महादेव आपके सामने आते हैं, जो महादेव की साधना करते हैं अगर महेश्वरी सिद्ध कर लेते हो तो महादेव को सिद्ध करना आसान हो जाता है। जब हम लोग तांत्रिक साधनाएं शुरुआत में करते थे तो हमें बोला जाता था कि माँ तारा की साधना पहले कर लो, माँ तारा की साधना कर लोगे तो महादेव जो है पीछे पीछे घूमते होंगे, तो माँ की साधना पहले होती है और बाबा की बाद में, इसीलिए महेश्वरी की साधना करने से कहते हैं कि महादेव आ जाते हैं, संभवी दीक्षा शिव दर्शन ये सब जो है भगवती की साधना से आपको मिलता है। तो ये जो साधना है मूल रूप से 7 दिन होता है,
जो गुप्त नवरात्रि है उसके पहले 7 दिन में इस साधना को किया जाता है। ठीक है, जो गुप्त नवरात्रि में नहीं कर पाएंगे वो किसी भी मंगल को इसका शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में ये उत्तम फल देता है। ठीक है, इस साधना को करने के लिए जो आसन होगा और जो आपके वस्त्र होंगे वो दोनों लाल होंगे। आपका जो दिशा रहेगा वो उत्तर की तरफ रहेगा। शुद्ध घी का दीपक रहेगा, लाल फूल जिसको जौबा फूल बोलते हैं या फिर गुलाब का फूल, धूप रखेंगे गुलाब का, नवेद में फल और लाल लाल फल और मिठाई, शुद्ध मिठाई। जब भगवती की हम पूजा करते हैं तो उसमें अक्षत मतलब जो चावल है वो जरूर देते हैं। ठीक है, इतना सामग्री आपने इकट्ठा कर लिया। सुबह के समय शुद्ध हो करके सबसे पहले खुद को शुद्ध करेंगे ओम अपवित्रो पवित्रो वा मंत्र से, उसके बाद आसन को शुद्ध करेंगे, उसके बाद ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि बोल करके जो अपना आसन बंधन कर लेंगे, फिर गुरु पंक्ति प्रणाम करेंगे, ओम श्री गुरु गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, परापर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः, फिर ओम श्री गणेशाय नमः, फिर ओम श्री गुरुमाय नमः, ओम श्री अनंताय नमः। इतना करने के बाद ओम देवी श्री सप्तमात्रिका नमोस्तुते सामने प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो माला, इसमें आप 3 माला में से कोई भी उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप स्फटिक की माला यूज करो, अगर सुबह अगर आपके पास समय है तो मूंगा का माला रखेंगे या रुद्राक्ष का माला रखेंगे। आजकल हकीक का माला चलता है, हकीक का माला जो है शास्त्र अनुसार जो है वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आसन बिछाया, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह मुंह करके भगवती का एक सामने तस्वीर रख लिया, उनको नवेद चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, धूप दीप सब चढ़ाया, पंच पूजा कर लिया। उसके बाद 9-7 फूल लेंगे लाल अलग अलग, ठीक है, और भगवती के सामने रखेंगे और एक एक करके सातों भगवती का पूजा करेंगे। ओम कुमार्यै नमः पादो पूज्यामि तर्पयामि, तो पुष्प रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आचमनी से जल डालेंगे, फिर ओम वैष्णवीयै नमः पादो पूज्यामि तर्पयामि, फिर जो दूसरा फूल है उसको रख के उसके ऊपर जल देंगे, फिर तीसरा पुष्प लेंगे ओम महेश्वरीय नमः, पुष्प रखा पादो पूज्यामि तर्पयामि, फिर उस पर जल डालेंगे, ओम चंडिकायै नमः, पुष्प रखा चौथा पादो पूज्यामि तर्पयामि, फिर पांचवा पुष्प रखेंगे ओम बारा नमः पादो पूज्यामि तर्पयामि, ओम ब्रह्मण्यै नमः पादो पूज्यामि तर्पयामि, ओम इंद्रायै नमः इंद्रयाने नमः पादो पूज्यामि तर्पयामि। इस तरीके से आप उनको फूल भी चढ़ाएंगे और जल से उनका तर्पण कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा जब आप तर्पण करते हैं ना पुष्प दे करके, तो आपका जितना पाप होता है ना, आपके जो भी संताप होते हैं उसको भगवती उसका नाश कर देती है। ठीक है, इसके बाद 11 माला रोज जो मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे। तो मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है ओम नमो दुर्गे भगवती राजराशि महाकाली भैरवी संभवी स्वाहा। ओम नमो दुर्गे भगवती राजराशि महाकाली भैरवी संभवी स्वाहा। ओम नमो दुर्गे भगवती राजराशि महाकाली भैरवी संभवी स्वाहा। इतना करने के बाद अष्टमी के दिन जो है आप 108 आहुति देंगे, आम का शुद्ध लकड़ी जिसमें गांठ ना हो। ठीक है, और 108 बार जो है आप जो सुगंधित तत्व है जो हवन सामग्री मिलता है उन सबको मिला करके उसमें आप काला तिल भी डालेंगे, उसमें आप लौंग भी डालेंगे, उसमें आप गुलाब की पंखुड़ियां भी डालेंगे, सारे सामग्री को मिला करके आप एक हवन सामग्री बनाएंगे जो बहुत सुगंधित होगा, और उसको फिर 108 बार आहुति में पूर्ण रूप से दे देंगे। जो अंत में बचेगा वो अपने तरफ आप डाल देंगे। एक चीज गौर करेंगे, इतना सावधानी से आपको ये हवन करना है कि बिल्कुल ही जो हवन सामग्री है वो जो अग्नि है उसके बाहर ना गिरे। इतना करने के बाद
नवमी के दिन सात कन्याओं को आप भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। इतना करने से ये साधना पूर्ण हो जाएगी और जिस भी अभीष्ट फल की आपने कामना की है वो जो अभीष्ट फल है वो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188 से जुड़ सकते हैं। इसमें हम तंत्र का जो शुरुआती विधान है वो आपको सिखाते हैं, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र बोलना, बंधन करना, गुरु प्रणाम करना। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, इवेंट जानने के लिए www.aghurtantrahasya.com पर जाइए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती, माँ जगन्ना माता दुर्गा आप सभी का कल्याण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।